एवरीबॉडी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? तो ये मैंने एक पार्सल था प्रियम का, कुर्सी गिटार का, ये मैंने जो है वो मंगवाया था और ये फाइनली आ गया। अब ये मैं इंस्टॉल करूँगा और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो नाज़रीन, ये जो है इसमें से निकली है, ये प्रियम्प है, ये जो है जैक पिन, और वो है ये इसका पीएसओ पिकअप है, और ये जो है ये इसका स्क्रूज़ हैं। तो ये अब लगाएंगे अपने गिटार में और देखेंगे कि किस तरीके से ये फिट होता है। ये है जी, ये ऊपर से आप इसकी देख सकते हैं शक्ल, और अभी हम इसको लगाएंगे और फिर आपको इसका टोन सुनाएंगे। तो नाज़रीन, अभी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये खोल दिया है, लाइट चली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी जो है ये अभी निकाल रहे हैं, और अभी इसके अंदर जो है नया ये वाला जो है ये इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी आप देख सकते हैं कंडीशन, अभी ये खुल गया, अभी इसमें जो है दूसरा इंस्टॉल करेंगे। नाज़रीन, स्ट्रिंग्स हमने लूज़ कर दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका जो है हमने पीएसओ पिकअप जो है वो भी निकाल दिया, अभी इसकी जगह दूसरा लगाएंगे। नाज़रीन, एक और पंचायत है, क्योंकि इसका जो है ये साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ जो है वो थोड़ा चेंज है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है, तो अब इसको भी कुछ जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। फाइनली मैंने जो है अपनी गिटार तैयार कर ली है, और आज हम उसका जो है टेस्ट लेंगे कि उसका साउंड कैसा आता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने अपने गिटार के अंदर जो है वो मैंने चीरप का, आप जैसे देख सकते हैं, मैंने इंस्टॉल किया है खुद से एक प्री एम्प। बहुत प्रॉब्लम होती थी कि लास्ट ई स्ट्रिंग की आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, और बहुत प्रॉब्लम होता था वाइल परफॉर्मिंग, और रिकॉर्डिंग्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता था मुझे, क्योंकि अक्सर और बेशतर यही होता था कि जब मैं प्ले करने बैठता था तो लोग यही एक्सक्यूज देते थे, यार काइंडली कोई और गिटार ले आओ, इसमें आपकी हाई ई की जो आवाज जो है बिल्कुल मजे की नहीं आ रही। तो बड़ी परेशानी का सामना होता था, और फाइनली मैंने जो है वो अपना प्री एम्प चेंज कर लिया। ये बेसिकली चीरप का GT5 है, GT6 की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे GT5 मिला है, तो अब मैंने इसको इंस्टॉल किया है, और अब मैं आपको इसका जो है साउंड टेस्ट करवाता हूँ।
सो आप लोगों ने सबने जो है इसकी साउंड को जो है सुना, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप उसमें मेरे गिटार का साउंड सुने तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रीएम्प है, और मैं सबको एडवाइस करूँगा कि अगर आपको ये मिलता है चीरप का GT3, GT4, GT5, GT6, ये इतने अच्छे प्रीएम्प्स हैं कि आपको जो है किसी महंगे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यार इंस्टॉल करो और इजीली जो है ना आप अपने गिटार की टोन को जो है ना एक हाई एंड गिटार, जो महंगे गिटार होते हैं, उन जैसा बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप जो है इसी तरीके से जो है अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये एडवाइस करें। और ये मैंने अप्लाई किया है, मुझे बहुत पसंद आया, और उम्मीद है कि आप जब खुद इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने गिटार के प्रीएम्प बदल के, तो आपको पता चलेगा कि फ़र्क। और चीरप एक बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए कि मैं उसकी जो है तारीफ़ करूं, लेकिन मैं क्योंकि प्रोग्राम्स करता हूं और मैं एज अ म्यूजिशियन, एज अ गिटारिस्ट, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक वो प्रीएम्प जो इतना अच्छा सपोर्ट ना करें, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वाइल प्लेइंग लाइव, या आप जो है किसी भी जगह पे इसको यूज़ कर रहे हो या अपनी प्रैक्टिस में भी। तो एक अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए आपको एक अच्छा गिटार लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक अच्छा जो है ना एक प्री एम्प चाहिए अकूस्टिक के लिए। मैं इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, अकूस्टिक की कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पे भी कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का जो मेरा है वो मेन है अकूस्टिक। अकूस्टिक ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी, और जो इंटरमीडिएट्स हैं वो भी। और एक अकूस्टिक की अपनी सोलो परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी होती है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। मेरा बेसिकली जो है वो गज़ल और जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं आजकल मुझे वो पसंद है, तो इसलिए मैं अपना अकूस्टिक यूज़ करता हूँ उनके लिए। और थैंक यू वेरी मच सारी वीडियो देखने का, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए।